हाय, हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑरेंज बंट केक की एक बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। ये देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मगर ये वाकई में बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मगर वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। इसमें लिया है मैंने ये 3 कप मैदा, साथ में लिया है मैंने ये बटर, ये अनसॉल्टेड बटर है, यानी कि इसमें नमक नहीं है। इसके साथ मैंने डाला है इसमें शुगर, अंडे, कॉर्नफ्लोर और फ्रेश जूस। इसके साथ मैंने डाला है इसमें ये क्रैनबेरीज, अगर आपको फ्रेश मिलती है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, और फ्रेश नहीं मिलती है तो आप ये सूखी वाली क्रैनबेरीज भी ले सकते हैं। इसके साथ मैंने डाला है इसमें ये ऑरेंज पील, मैंने ये रेडीमेड कैंडिड ऑरेंज पील लिया है। अगर ये आपको मिलता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल संतरे के छिलके को पतला पतला काट के भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ऊपर वाला ऑरेंज का पार्ट लेना है, अंदर वाला वाइट वाला पार्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो कड़वा होता है। इसके साथ मैंने डाला है इसमें ये ऑरेंज एसेंस, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इन सब की क्वांटिटी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। अब मैंने ये गरम पानी लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ ये क्रैनबेरीज। अभी ये क्रैनबेरीज क्योंकि ड्राई है, इसको गरम पानी में डालना बहुत ज़रूरी है, उससे ये थोड़ी सी रिहाइड्रेट हो जाएगी, अच्छे से स्वेल हो जाएगी और फिर हम आगे इसको यूज़ करेंगे। अब मैंने ये बोल में बटर डाला है, और ये जो बटर है इसका रूम टेम्परेचर पर होना बहुत ज़रूरी है। ये सॉफ्ट होना चाहिए, जब आप इसको इस तरीके से टच करेंगे तो ये प्रेस होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर, और अब हमें शुगर और बटर को अच्छे से बीट करना है। अगर आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के बटर को यूज़ करेंगे तो वो हार्ड रहेगा और वो शुगर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप बटर को थोड़ी देर पहले, आधे एक घंटे पहले निकाल के रख दें ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पर आपको ध्यान रखना है, आपको मेल्टेड बटर नहीं लेना है, आपको सिर्फ सॉफ्ट बटर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एग, और अंडों को भी आपको एक एक करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और मैंने ये मशीन का यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 4 अंडे लिए हैं तो मैं एक एक करके इसको डाल रही हूँ, और ये अंडे और बटर अच्छे से मिक्स जब हो जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो बटर है ये बिल्कुल लाइट हो गया है, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑरेंज जूस, और ऑरेंज जूस डालने के बाद हमें इसको सिर्फ हल्का सा मिक्स करना है, हमें बहुत ज़्यादा इसको ओवर बीट नहीं करना है। अब ये क्रैनबेरीज बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए, मैंने इसको पानी से निकाल के छान लिया है, और अब इस मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ ये ऑरेंज पील, और साथ में मैंने डाला है ये क्रैनबेरीज। आप देख सकते हैं क्रैनबेरीज बिल्कुल प्लम्प हो गई हैं, ये अच्छे से फूल गई हैं। और अब हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाना है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, और मैंने ये स्ट्रेनर लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से छान कर फिर ये बटर और शुगर और अंडे वाले मिक्सचर में मिलाना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको कट एंड फोल्ड वाला मेथड यूज़ करना है। और अब मैं इसी मेथड से इस मिक्सचर को हल्के हाथों से मिला रही हूँ, और हमें इसे अच्छे से मिलाकर इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑरेंज एसेंस, आप ट्राई करें कि आप इसमें ऑरेंज एसेंस ही डालें, वनीला एसेंस भी आप डाल सकते हैं, मगर उससे प्रॉपर टेस्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑरेंज केक है, इसमें जब आप ऑरेंज एसेंस डालेंगे तो इससे जो फ्लेवर है ये बहुत ही अच्छा आता है, और ये केक बहुत अच्छा लगता है। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल थिक है, आपको इसको पतला नहीं रखना है। अब यहाँ मैंने ये बर्न पैन लिया है, और आपको इसको अच्छी तरीके से बटर से और मैदे से कोट कर लेना है, ताकि जो केक है वो आराम से निकल जाए और वो इसमें चिपके ना। और अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है तो आप नॉर्मल गोल वाला पैन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो उसके बीच में एक कटोरी रख के भी यूज़ कर सकते हैं, उससे एक होल सा बन जाएगा और जो केक है थोड़ा इस तरीके का सिमिलर शेप आ जाएगा, मगर जो इस केक की खूबसूरती है वो इस पैन से ही निखर के आती है, तो आप ट्राई करें कि आप इस पैन में ही बनाएं। अब ये केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसको प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर 40 से 45 मिनट तक बेक करूँगी। आप टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हैं। अब 45 मिनट्स के बाद ये जो केक है बिल्कुल रेडी हो गया है, ये बहुत अच्छे से बेक हो गया है, और इसको हमें पैन में ही 10 से 15 मिनट तक ठंडा करना है। इस पैन से केक को निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है, तो उसकी टिप ये है कि आप इसको पैन में ही थोड़ी देर तक ठंडा कर लें,
इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, इसको पूरा एकदम गर्म नहीं निकालना है, इसको 10 से 15 मिनट बाद आप पैन से निकालिए और ये ईजिली आराम से निकल जाएगा इस तरीके से। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो केक है ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये बहुत स्पंजी बना है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ ऑरेंज ग्लेज। उसके लिए मैंने ये ऑरेंज जूस लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये कॉर्नफ्लावर और थोड़ी सी शुगर। और अब हमें इसे थोड़ी देर तक पकाना है, इतनी देर तक पकाना है जितनी देर में थोड़ा सा थिक हो जाए। मैं इसको माइक्रोवेव में हाई पावर में 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी। आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल गैस के ऊपर भी कुक कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट बाद ये अच्छे से थिक हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑरेंज एसेंस। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसको इस तरीके से इतना थिक होना चाहिए। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये और अच्छे से थिक हो जाएगा। और अब मैं इसको डाल रही हूँ इस केक के ऊपर और इसकी वजह से ये केक बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें जो एक टैंगी सा फ्लेवर आता है और इसका जो टेस्ट होता है इतना रिफ्रेशिंग, इतना अमेजिंग लगता है, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रैनबेरीज लगा रही हूँ सिर्फ डेकोरेशन के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।